अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 अगस्त 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। स्कूटनी रिजल्ट दोस्तों आपका आ चुका है, अगर अभी तक भी आपने उसको डाउनलोड नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम उसका लिंक दे देंगे, जहां से आप अपना स्कूटनी रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों सवाल है कि फेल छात्रों का क्या होगा, और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की लेटेस्ट न्यूज क्या है उसको देखेंगे, और देखिए दोस्तों PNP की मंशा पर सवाल खड़े। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। 2017 और 18 बैच के फेल छात्रों का पेपर कब होगा उसको भी दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी अपडेट पहले आपके सामने रखते हैं। ये अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, DSSSB टीचर रिक्रूटमेंट, ठीक है, अब अभ्यर्थियों की मेरिट के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, मामला क्या है देखिए, शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दे को आपको जानना बेहद जरूरी है। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट और चौंकाने वाली खबर, अमेरिका में दोस्तों 24 घंटे में 1,43,000 से ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, हमारे देश में 40,000 से ज्यादा केसेस। जी हाँ दोस्त, ये इशारा तीसरी लहर को करते हैं कि मतलब तीसरी लहर बहुत ही जल्दी दोस्तों हमारे देश में भी आ सकती है। अगर हमारा पेपर जल्द से जल्द नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है गाइस, फिर से कोरोना के चलते हमारा पेपर रुक जाएगा। और आपको बता दें, फोर्थ सेमेस्टर में आपको प्रमोट किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। तो गाइस अभी हमारा थर्ड सेमेस्टर का वैसे प्रमोट का ही नहीं कन्फर्म है, तो फोर्थ की तो देखिए बात होती ही रहेगी। एक और अपडेट दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा दीक्षा ऐप पर कोर्स लॉन्च किया गया है उसकी अंतिम तारीख है देखिए 10 नवंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, इससे आप काफी ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कोर्स का पेपर कब होगा। जी हाँ दोस्तों, रियलिटी में हमें जीना चाहिए जो कि अपडेट्स है। तो मतलब इस अपडेट के बाद ऐसा ही लग रहा है कि 10 तारीख से पहले आपका पेपर तो किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों इस बार फोर्थ सेमेस्टर में कोरोना के दौरान आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी है, और आपको बता दें काफी दोस्तों ऐसे अब कॉलेज है जहां पर फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप भी जो टीचिंग लगनी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर ये कि दीक्षा ऐप पर कोर्स लॉन्च करने का मतलब क्या है, ठीक है इसको देखेंगे। फिलहाल देखिए एक बात और आपको बता दें, काफी बार दोस्तों बच्चों को ऐसा लगता है यार कि PNP जो भी मतलब प्रस्ताव बनाती है सरकार के पास, शासन के पास भेजती है, वो सुनते नहीं है। ऐसा दोस्तों नहीं है, ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपडेट हमने आपको दिखाई भी थी, फिर से आप समझ लीजिए। 10 अगस्त दोस्तों DLED 2021 बैच के लिए आवेदन की अंतिम तारीख थी 10 तारीख, ठीक है, लेकिन 24 घंटे में दोस्तों मतलब 11 तारीख को एक नोटिस आती है जहां पर इस तारीख को बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर इन्होंने प्रस्ताव भी बना लिया होगा, शासन को भेज भी दिया होगा और उसका अप्रूवल भी मिल गया होगा, ठीक है। तो गाइस जब यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं, जब फिर दोस्तों वही बात आती है ना, जब हमारा थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का मुद्दा आता है तब दोस्तों ये शांत हो जाते हैं, तब इनको कुछ ऐसे पता ही नहीं होता कि प्रमोट कब होंगे कैसे होंगे। तो गाइस ये आपके साथ बड़ा धोखा है, नाइंसाफी की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है ताकि दोस्तों आपका भविष्य खराब हो। आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, लगभग आपको ये बात पता होगा कि जुलाई से हर जगह पेपर होना शुरू हो गया, ठीक है। और दोस्तों एक बात तो और भी कन्फर्म है कि अब आपका अगर थर्ड का भी ये पेपर कराएंगे तो अगस्त में नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ये 2 महीने बैठे रहे। अगर चलिए ठीक है मान लेते इनका नहीं मन था प्रमोट करने का, तो आपका पेपर ये जुलाई में भी तो करा सकते थे, लेकिन दोस्तों जानबूझकर लेट लतीफी की जा रही है ताकि आप नए शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाए। एक बात और याद रखिएगा, अगर दोस्तों 19 बैच का प्रमोट रुक गया तो फिर फोर्थ का पेपर अभी नहीं होगा, होगा किसका किसका, थर्ड सेमेस्टर का पेपर हो सकता है, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हो सकता है, और हो सकेगा तो फर्स्ट का भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ का पेपर फिर बाद में होगा। सारे सेमेस्टर का पेपर देखिए हर बार नहीं कराया जा सकता है, तो फिर देखिए दिक्कत किसको आ जाएगी, 18 बैच और 17 बैच के छात्रों की जिनकी बैक है फोर्थ में। तो दोस्तों ये भी बड़ा मुद्दा है, ठीक है, बच्चे इसको भी जरा ध्यान रख रहे हैं। तो प्रमोट होना बेहद जरूरी है, अगर 2019 का बैच प्रमोट हो जाता है तो एक बात और समझ लीजिए, तब दोस्तों हमारा फर्स्ट का भी पेपर होगा, सेकंड का भी होगा, जिन बच्चों की दिक्कत है उनका थर्ड का भी होगा, बाकी फोर्थ का भी होगा, ठीक है, तब सारे सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा अगर प्रमोट मुद्दा जीतेगा तब। लेकिन अगर प्रमोट मुद्दा या कुछ और दिक्कतें आ गई तो फिर देखिए दिक्कत है। फिलहाल देखिए बच्चों ने 1 तारीख को निर्धारित किया 16 तारीख,
जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त को फिर से धरना दिया जाएगा, देखते हैं इस बार क्या होता है। पल पल की दोस्तों अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जो भी धरने की अपडेट्स आएंगी, ठीक है। और देखिए होता क्या है ना, जब हम लोग आश्वासन को मान लेते हैं कि यार आश्वासन मिल गया अब तो ये हमें प्रमोट कर देंगे, तो वही होता है दोस्तों, उसी में क्या होता है कि आपको लॉलीपॉप दे दिया जाता है आश्वासन रूप में, चलो ठीक है हम करेंगे, लेकिन बाद में ये बदल जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ यही है इनके बदलने का, जो ये दोस्तों नोटिस आई है दीक्षा ऐप को लेकर, और जहां पर दोस्तों आप ये अपना कोर्स देख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों हमने आपके लिए जो भी इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन था, ठीक है, असाइनमेंट का, वो दोस्तों हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम लिंक दे देंगे, ठीक है, जहां से दोस्तों आप इस कोर्स का जो लिंक है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, और उसके बाद पूरा सोल्यूशन हमने दे रखा है असाइनमेंट में। तो आपको एक बात और बता दे, टोटल 21 असाइनमेंट है, ठीक है, इसको आप एक बार देखिएगा जरूर। पता है क्या है, फोर्थ का अगर पेपर होगा तो इससे आपको मदद भी मिलेगी, ठीक है, आप अपने फायदे के लिए इसको देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सके, ठीक है। तो अपना फायदा भी तो देखना है, फोर्थ में सबसे जो ज्यादा बैक आती है वो इंग्लिश में आती है और मैथ में आती है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को दोस्त अगर आप कवर करेंगे, चाहे दीक्षा ऐप हो चाहे जहां से हो, बढ़िया रहेगा, इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन गाइस दिक्कत यहाँ ये है ना कि इन्होंने जो ये तारीख रख दी 10 तारीख, तो इससे दोस्त ये बात कंफर्म हो गया कि फोर्थ का पेपर 10 नवंबर से पहले नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, जब 10 नवंबर तक बच्चे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो पहले पेपर कैसे हो सकता है, सवाल यहाँ पर ये भी तो है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग इन सब बातों को समझ रहे होंगे, बाकी कुछ और अपडेट्स आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल गाइस आप लोग पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, ठीक है। और आपका जो सवाल था यूपी टेट का पेपर, जी हाँ दोस्तों यूपी टेट परीक्षा को लेकर क्या हो रहा है, क्या दोस्तों अगले 30 दिन में कुछ बड़ी खबर निकल कर आ सकती है, 30 डेज? तो देखिए दोस्तों, अगर एक बात और याद रखिएगा, अगर हमारा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नवंबर के बाद जाएगा तो उससे पहले हो सकता है कि एक परीक्षा कराई जाए। किनके लिए दोस्तों वो परीक्षा हो सकती है, बैक पेपर छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमारा प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट की बात आ रही है कि फर्स्ट का रिजल्ट घोषित हो सकता है, तो गाइस ये फर्स्ट का रिजल्ट घोषित कैसे करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो इनके लिए ये है ना, सवाल था कि सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन जिन बच्चों की बैक है और जिनकी संख्या 70,000 से भी ज्यादा है उन बच्चों का रिजल्ट ये कैसे घोषित करेंगे, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पास हुए छात्रों का रिजल्ट आ सकता है लेकिन फेल हुए छात्रों का रिजल्ट कैसे आएगा, मान लेते हैं अगर कोई बच्चा एक विषय में फेल है, समझिए इस बात को, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में फेल है, या हो सकता है दो में फेल हो, या हो सकता है दोस्तों दो से भी अधिक, तीन में, चार में, पांच में, तब इन बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा। फिर बात आती है कि औसत अंक के आधार पर, ठीक है, प्रमोट किया जाएगा। औसत अंक दोस्तों ये तो देखिए मनमानी हो जाएगी, मान लेते कोई बच्चा एक्सटर्नल में कम नंबर पाया है तो क्या उसको ये फेल कर देंगे, तो औसत में दोस्तों इनको पूरे नंबर देखने चाहिए, चाहे प्रैक्टिकल का हो चाहे इंटरनल का नंबर हो, और चाहे दोस्त वही आपका फिर एक्सटर्नल का नंबर हो, तीनों देखने चाहिए। प्रैक्टिकल का देखिए अलग होता है, उसके लिए एग्जामिनर आते हैं, इंटरनल नंबर दोस्तों जो आप इंटरनल टीचिंग करते हैं स्कूल में वो होता है, ठीक है, बाकी आपका पता ही है एक्सटर्नल जो आप पेपर देने जाते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि किस आधार पर। अभी दोस्त ये कंफ्यूजन की स्थिति है, देखिए जब तक आपका फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका थर्ड का कंफर्म नहीं होगा, एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, बिना फर्स्ट रिजल्ट के, जी हाँ दोस्तों प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट के थर्ड का कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा, कि मतलब ये तो कंफर्म हो सकता है कि आपको प्रमोट करेंगे या नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट या कुछ और चीजें नहीं आ पाएंगी बिना फर्स्ट रिजल्ट के, ठीक है। और आपको बता दें फोर्थ का पेपर तभी हो पाएगा जब दोस्तों आपका थर्ड का भी बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर का मतलब आपका जब तक थर्ड का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका फोर्थ का पेपर नहीं हो पाएगा, कम से कम पीएनबी के पास ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर ये बच्चों को रिजल्ट तैयार कैसे करेंगे, समस्या यहाँ पर ये भी है, ठीक है। आप लोग सही जानकारी देखिए लीजिए, लिया करिए ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। इस अपडेट को जरा देख लीजिए, शिक्षक भर्ती का मैटर है, पहले इस अपडेट को दोस्तों देखिए, वह रही बेरोजगारी, बेटियों की रात भारी, नौकरी की मांग को लेकर 2 दिन से पानी की टंकी पर चढ़े 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, और एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम तो 4 लाख 5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके हैं, अगर दे चुके हैं तो बताइए आज के दिन यूपी की बेटियों को भैया पानी की टंकी पर चढ़ने की भी नौबत आ जाती है। अपडेट को देखिए, रात करीब 11 बजे थे, बारिश के बीच पानी की टंकी पर चढ़ी शिखा पाल रोते हुए कहती जा रही थी कि हम बेटियां हैं, उपद्रवी नहीं। टंकी के ठीक नीचे झाड़ियों के बीच लेटी निधि तिवारी और रेखा त्यागी ने कहा कि हम महज मांग कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं, हम लड़कियां हैं, प्राकृतिक क्रिया को
रोका नहीं जा सकता, कम से कम उस पर तो पाबंदी ना लगाए। यह दर्द है उन अभ्यर्थियों में शामिल बेटियों का जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर 2 दिन और 2 रात गुजार चुकी हैं। सुनकर हैरानी हो रही होगी मगर यह हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात और समझिए, जब 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र, जी हाँ दोस्तों, आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या DLED के छात्र थर्ड सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे की मांग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, देखिए गाइस, अगर आप में साहस होगा, ठीक है, कुछ कर गुजरने की साहस होगा ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखिए आगे की अपडेट, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्तियों को जुड़वाकर नौकरी की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 50 दिनों से इको गार्डन में आंदोलनरत हैं, मगर बुधवार को अभ्यर्थियों ने SCERT स्थित कार्यालय का रुख किया। अभ्यर्थियों ने पास स्थित पानी की टंकी के पास प्रदर्शन शुरू किया। मांग को लेकर महिला अभ्यर्थी ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार को उन्हें वहां बैठे, मतलब 2 दिन हो गए, नित्य क्रिया के लिए उन्हें नीचे ना आना पड़े, इस खातिर उन्होंने खाना छोड़ रखा है। टंकी पर चढ़ने का रास्ता भी इतना संकरा है कि एक साथ दो व्यक्ति नहीं चढ़ सकते। सामर्थ्य बनी रहे इसलिए अन्य आंदोलनकारी रस्सी डोरी के साथ सारे, मतलब चाय और बिस्कुट पहुंचा रहे हैं। पानी की टंकी के बगल ही SCERT की ब्रेल प्रेस और छात्रावास में शौचालय है, मगर उसके इस्तेमाल से उन्हें रोक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि भैया इनकी तानाशाही क्या है। ठीक है, अब तो लगता है दोस्तों कुछ मांग ही नहीं किया जा सकता, मतलब बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म है एक तरह से, अगर आप देख रहे होंगे। इसके लिए दोस्तों पुलिस ने छात्रावास में ही डेरा डाल रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब पुलिस वालों की देखिए दादागिरी, ठीक है, इनको कहीं नहीं मिला तो छात्रावास में पहुंच गए हैं, और ऐसे में खुले में नित्य क्रिया से निवृत्त होना उनकी मजबूरी है। अब दोस्तों इस लाइन को पढ़कर आपको क्या लग रहा है, सोचिएगा आप लोग कि हमारी यूपी पुलिस कैसी है। और उसके बाद देखिए हक की बात क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। लगातार मांगे अनसुनी किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार से निषादगंज शिक्षा निदेशालय परिसर में पानी की टंकी पर कब्जा जमा कर प्रदर्शन शुरू किया। गुरुवार को भी दोस्तों खुद सहित, ठीक है, साथियों के हक के लिए आवाज बुलंद किए टंकी पर बैठी कानपुर की निधि तिवारी के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो उन्होंने घर वालों से दो टूक कहा कि सफल होकर ही बेरोजगार रहना बर्दाश्त नहीं है, वे अपने हक के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगी। ठीक है, रंगनाथ तिवारी। जी हाँ दोस्त, ये पूरा मामला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर छात्र अपने पर आ जाएं, जी हाँ दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर, तो वो पीछे नहीं हटने वाले। और गाइस सोचिए कि जब आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, सोचिए DLED बच्चों ने कंप्लीट किया, उसके बाद UP TET या CTET की परीक्षा पास की, उसके बाद सुपर टेट तक की परीक्षा पास कर ली, और उसके बाद मिलता है क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, क्या सरकार है गाइस, अगर ये सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो फिर किस काम की है, बच्चों को तो नौकरी चाहिए ना। और देखिए जितने बच्चे DLED या BED करें, सभी बच्चों का भैया एक ही मांग है, हमें नौकरी दो, या तो कोर्स ही बंद कर दो या तो नौकरी दो, सिंपल सी बात है। देखिए DLED का अगर आप कोर्स करते हैं, एक बात और याद रखिएगा, ये दोस्तों आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे अगर आप पुलिस में नौकरी पा जाते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है ना, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है परमानेंट वाली, तो ये DLED आप एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपकी पहले दिन से सैलरी भैया 42,000 रुपये होने वाली है। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग पर हैं इस समय, एक तरह से आप ये समझ के चलिएगा। और उसके बाद सरकारें क्या करती हैं बताइए, बच्चों को मजबूर कर रही हैं, खाना नहीं मिल रहा है बच्चों को, परेशान है गाइस, बिल्कुल परेशान है। और DLED में आप लोग अपनी हालत तो देख ही रहे हैं, प्रमोट क्या कोई अता पता नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का कोई अता पता नहीं कि प्रमोट रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद देखिए परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 6 से 8 तक की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट है भैया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे दिया है फिलहाल कि अब स्कूल खोले जाएंगे। तो गाइस जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर सरकार को भी जरा देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इनको बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, नहीं तो फिर वही है, बच्चों का भविष्य पूरा बर्बाद हो जाएगा। और देखिए उम्मीद करेंगे कि हमारी अब यूपी में कोई नई सरकार बने तो वो बच्चों के हक की बात करे, ठीक है, कम से कम DLED और BED छात्रों की कम से कम कुछ तो दशा सुधरे ना। ठीक है चलिए, BED वालों के लिए इन्होंने TGT की वैकेंसी दे दी, DLED वालों के लिए इन्होंने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। और एक बात और याद रखिएगा, और इसको आप लिख भी सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, इस बार जो हमारी वैकेंसी आएगी ना, वो हो सकता है कि 51,112 पदों पर आ सकती है या इससे भी ज्यादा,
लेकिन इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी वो ज्यादा पदों पर नहीं आएंगी, क्योंकि वैकेंसी लगभग फुल हो जाएगी। तो फिर याद रखिएगा, देखिए जैसे अभी जूनियर की वैकेंसी आई थी, आपको पता होगा ना कितने पद थे जूनियर में, पता है आप लोगों को? सिर्फ 1894 पद थे। सोचिए 1894 पदों पर वैकेंसी आने लगी, कितनी कम है 1894, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम कम पदों पर वैकेंसी आएगी। तो उसके बाद धांधलीबाजी हो जाती है। डीएलएड का पेपर लीक होता है कि नहीं, दिल से पूछेगा आप लोग अपने, तो ये सब पेपर भी दोस्तों जिनकी पहचान होती है वो लीक करवा लेते हैं, उनकी नौकरी लग जाएगी, फिर आप कहेंगे यार हमने तो मिली ही नहीं। तो ये सब चीजें गाइस हैं। फिलहाल जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और बच्चे बिल्कुल परेशान हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सच्चाई बताइए कि अब क्या कंडीशन है डीएलएड की। और देखिए एक बात और आपको बता दें, एक मन में आपके सवाल होगा कि डीएलएड के छात्र परेशान ज्यादा है। एक बात आपको बता दें, डीएलएड के छात्र जागरूक ज्यादा होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेखपाल की वैकेंसी नहीं आ रही, आपको पता है? कोई धरना दे रहा है क्या लेखपाल के लिए? कोई नहीं दे रहा है। बहुत सी वैकेंसियां दोस्तों नहीं आ रही, कोई धरना दे रहा है। रेलवे में नहीं आ रही, क्या दे रहे हैं? ट्विटर पर बच्चे 2 दिन अभियान चलाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन डीएलएड के छात्र दोस्तों कम से कम इतने जागरूक है ना, अपने हक के लिए लखनऊ दौड़ते हैं, एससीईआरटी जाते हैं, पीएनपी प्रयागराज जाते हैं, धरना देते हैं। तो गाइस आप उनसे लाख गुना बेहतर है, ठीक है? डीएलएड में कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी कहीं नहीं आ रही, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। आज के दिन आपको चपरासी तक की नौकरी नहीं मिलेगी, वैकेंसी नहीं आ रही है। और योगी सरकार ने भाई एक वैकेंसी निकाली तो कितना सैलरी दे रहे हैं? वो 6,000 रुपये महीना दे रहे हैं, एक दिन का 200 रुपये। मनरेगा में 200 से ज्यादा मिलता है यूपी में एक दिन का, ठीक है? ऐसी वैकेंसियां निकल रही हैं। फिलहाल डीएलएड के छात्र दोस्तों जागरूक ज्यादा है, इसलिए जब भी हक की बात आती है तो बच्चे तुरंत धरना अपना देते हैं। अब इतने पढ़े लिखे होने का फायदा होना चाहिए ना, ये मत सोचिएगा यार हमारा पेपर नहीं हो रहा तो हम धरना दे रहे हैं, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, सीधे सिस्टम से टकराना बड़ी बात है अपने हक के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी आप तक पहुंचाएंगे, और प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट मिल सकती है खुशखबरी। कंफ्यूजन की स्थिति तो देखिए बरकरार है, इंतजार करते हैं गाइस जो भी अपडेट आएगी। एक बात और आपको बता दें वीडियो के अंत में, ठीक है? स्कूटनी रिजल्ट का दोस्तों हमने लिंक दे रखा है, आंगनवाड़ी भर्ती अगर आप आवेदन करना चाहते हैं उसका भी लिंक दिया गया है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो डेट सीट का सीरियल होगा दोस्तों, कैसे पेपर होगा, उसका लिंक हमने दे रखा है, ठीक है? प्रमोट न्यूज के अपडेट्स का लिंक दिया गया, लेकिन होंगे तभी तो अपडेट आएगी, बाकी देखते हैं क्या होता है गाइस। और देखिएगा अगर प्रमोट नहीं हुए ना तो फोर्थ का पेपर देखिए नहीं हो पाएगा, फिर अभी थर्ड का अगर अभी पेपर होगा तो फोर्थ का नहीं हो पाएगा, और जिन बच्चों के फोर्थ में बैक है वो बच्चे भी नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो सभी बच्चे यही दुआ करें कि भैया प्रमोट जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि सभी सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ हो जाए, सभी बच्चे पास हो और नई भर्ती में सम्मिलित हो। यूपी टेट और जो भी अपडेट से अगले 30 दिन में देखते हैं, कुछ बड़ी खबर निकल कर आएगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।